हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। उधर देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से लॉकडाउन का दौर जारी है। ऐसे में कई लोग जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे डॉक्टरों ने दानवीरता की अनोखी मिसाल पेश की है। दरअसल प्रदेश सरकार ने कोरोना की जंग में शामिल स्वास्थ्य कर्मचारियों का वेतन दोगुना कर दिया था, मगर अब उन्हीं डॉक्टरों ने मिलकर फैसला किया है कि वो अतिरिक्त वेतन नहीं लेंगे। उन्होंने आग्रह किया है कि इस पैसे से जरूरी उपकरण खरीदे जाएं, कोरोना के खिलाफ जंग को मजबूत किया जा सके। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के सीनियर और जूनियर डॉक्टरों ने अपने अपने हस्ताक्षर कर सरकार को लिखित में अपना निर्णय पत्र भेजा है। कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जूनियर और सीनियर डॉक्टर्स ने ये मिलके ये डिसाइड किया कि जो उनको सेकंड बेसिक सैलरी सरकार ने ऑफर करी है कोविड मरीजों की सेवा के लिए, उनका मानना है कि ये वो नहीं लेना चाहते। उन्होंने अपनी ये स्वेच्छा से ये कहा है कि वो नहीं लेना चाहते और ये जो अमाउंट जो कलेक्ट होगी उनको वो ये चाहते हैं कि कोविड मरीजों की सेवा में लगा दिया जाए, उनके लिए नए नए उपकरण खरीद लिए जाएँ और दवाइयाँ मंगवा ली जाएँ। ये लगभग 30 डॉक्टर हैं जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से ये कंसेंट दी है।